हे दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से एक और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। आज की इस अपडेट में क्या बताया गया है, इसके बारे में फुल डिटेल्स में आपसे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, जो आपके एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लीट हो चुका है और उनके काउंसलिंग डेट भी जारी कर दिए गए, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके फीस डिटेल्स भी सबमिट करने की बात कही गई थी। लेकिन आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में फुल डिटेल्स आप देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अगर आप चैनल अंश स्टडी गुरु पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी के साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन जो आज का जारी किया गया है उसमें क्या बताया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है एमए अंग्रेजी सत्र 2021 और 22 प्रथम वर्ष का प्रवेश कार्यक्रम सूचना एवं प्रकाशनाथ, और इसमें लिखा है संवर्ग सूचांक और तिथि एवं समय। अनुसूचित जनजाति के सभी स्टूडेंट का 20 अक्टूबर यानी कि कल के डेट में 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपके काउंसलिंग कराए जाएंगे। डॉक्यूमेंट लेके आपको पहुंचना होगा। हालांकि डॉक्यूमेंट के बारे में मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं कि ऑनलाइन सबमिशन करते समय जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ती है, उसी के साथ में काउंसलिंग लेटर और भी जो दो फोटोज और ये उसकी एक छायाप्रत की पूरी डिटेल में एक कॉपी बना लीजिएगा, जिसे आपको कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। उसके साथ में लिखा है ईडब्ल्यूएस के लिए भी सभी अभ्यर्थियों को 10:30 से 12:30 बजे तक कराए जाएंगे आपके काउंसलिंग। डॉक्यूमेंट का सारा डिटेल्स, जैसा कि 20 अक्टूबर ही डेट है। और इसमें क्या बताया गया, लिखा है सभी प्रवेश रिक्त स्थानों को सापेक्ष वरीयता क्रम से ही किए जाएंगे, जैसा कि आलोक कुमार जी के द्वारा आपका जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और भी कोई ऐसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट अगर आती है तो आपको अंश स्टडी गुरु के माध्यम से दोस्तों बताया जाएगा। चलिए, और कोई लेटेस्ट अपडेट अगर पाना भी चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यह अंश स्टडी गुरु चैनल आप सभी के सपोर्ट के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।